वेलकम टू माय चैनल सहर वसीम ब्लॉग्स। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों की दुआओं से सुबह हो गई है और मैं भी सोकर उठी हूँ। सुबह तो नहीं, थोड़ी सी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, सुबह से थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। हवा बहुत तेज़ चल रही है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है और इतना हसीन मौसम हो रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, क्योंकि वसीम मेरा नाश्ते पर वेट कर रहे हैं और मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। इतना हसीन मौसम हो रहा है और लग रहा है कि आज शायद बरसने वाला है, तो लेट्स सी देखें बरसता है या नहीं। तो जी ये देखें, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है और आए हुआ है सब्ज़ी वाला, उसकी आवाज़ आ रही है सब्ज़ी बेचने की। तो मैं आ गई हूँ नाश्ते पे, वसीम मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और आज हमारे नाश्ते में हैं बिस्किट्स। आज हम खा रहे हैं बच्चों के बिस्किट, बच्चों की चीज़ें रखी हुई हैं ना यहाँ, ये सब अपनी चीज़ें लेकर आए हैं, ये सब लेस और ये अधम तक ही हैं। तो ये पापड़ वगैरह तो मैं नहीं खा रही। अच्छा, ये बिस्किट तब भी बॉक्स से इन्होंने लिया है, तो इसमें से हमने दो बिस्किट निकाले और आज ये दोनों जो है ना वो जल्दी नाश्ता कर चुके हैं। और मैं व्यूअर्स थोड़ा देर से उठी थी तो आज उन लोगों का ब्लॉग नहीं बना पाई। अरहम अफ्सा का अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आज नाश्ता करने मेरा प्लस खाने का दिल चाह रहा था। हाँ, कभी कभी बस बहुत लाइट सा नाश्ता करने का भी दिल चाहता है, तो इसलिए मैंने कहा। मेरा तो व्यूअर्स गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इतना होशियार है अरहम, उसने अपनी सारी चीज़ें अलग कर ली। और जो है क्योंकि हमने देखा मम्मा पापा जो है बिस्किट खा रहे हैं और ये जो है ना उसने साइड पर कर ली अपनी सारी चीज़ें। सुबह मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश वाला हो रहा है और मैं कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग टी इंजॉय। तो आइए व्यूअर्स, आप लोग भी जो है वो मेरे साथ टी इंजॉय कीजिए। तो अब देखें आज की जो एक्टिविटी है वो क्या कुछ स्पेशल होने वाली है, और अगर आपको देखना है कि आगे क्या होने वाला है तो हमारे साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा, वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। हफ्ता जो है वो अभी आई हैं नहा के, इतनी गर्मी में तो नहाना लाजमी ही है। और जो है अब ये जाएंगी मदरसे, और मदरसे से आने के बाद फिर हमारा देखें कहीं जाने का प्लान बनता है क्या है, अभी डिसाइड हो रहा है। देखिए अगर डिसाइड हो जाएगा तो फिर हम जाएंगे। तो आपने हमारी वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, हमें भी आएगा मज़ा और आप लोगों को देख के मज़ा आएगा, एंजॉय कीजिएगा। सो व्यूअर्स, आम आए थे तो आम को जो है वो मैं तरीके से शॉपर से निकाल के ना इस तरह रख रही हूँ, क्योंकि शॉपर में जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ आप बताइएगा कि आम किस किस को पसंद है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है आम की, लेकिन अब खाने के बाद पता चलेगा कैसा है। तो इनको मैं सही करके रख रही थी, और गर्मी क्योंकि ज़्यादा गर्मी की वजह से भी जो है ना, अगर आप इसको शॉपर ही में रख रहे तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो इनको तरीके से अगर आप इस तरह रख दें तो हवा भी लगती रहेगी और ये आम ख़राब भी होंगे। सो गाइस, अभी जो है वो मैं रेडी हो रही हूँ और यहाँ बच्चे भी रेडी हो रहे हैं, और अभी हम जो है वो जा रहे हैं, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाके आपसे मिलेंगे और आपको बताएंगे कि हम कहाँ आए हैं। तो आपने हमारे साथ रहना है और वीडियो को फुल वॉच करना है और एंजॉय करना है हमारे साथ साथ रह के। ये लोग हो गए हैं रेडी, तो व्यूअर्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा मैं कैसी लग रही हूं, मेरी मैचिंग का पर्स, मेरी मैचिंग का हैट एंड मेरी शर्ट एंड पैंट एंड मेरी ज्वेलरी एंड मेकअप भी है। इस वक्त जो है वो हम रेडी हो चुके हैं और हम जा रहे हैं बच्चों को लेके बाहर, तो वहीं चलेंगे और आपसे मिलेंगे। और आप हमारा वेट कीजिए और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। आई होप आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा, हमें भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा और हमें भी मज़ा आएगा, खूब फन होने वाला है। तो लेट्स सी, फिर मिलते हैं, चलते हैं और वहाँ मिलते हैं आपसे। वसीम यहाँ से ले रहे हैं केले, और क्योंकि हम निकल गए हैं बाहर और अभी हम जहाँ जा रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो वसीम यहाँ से केले ले रहे हैं,
हम बैठे हैं ऑटो में और जो है थोड़ी धूप आ गई है व्यूअर्स, उस वक्त तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। हम आ चुके हैं अभी गार्डन, और अभी हमारे साथ क्या सीन हुआ है बताएं, और हम बताएंगे। मंडे नहीं आज वेडनेसडे है, तो हुआ कुछ ऐसे और हम हफ्सा को बात करें। तो अगर यहाँ तक हम आ चुके थे अभी, तो यहाँ आके पता चला कि आज वेडनेसडे को जो है जेंट्स अलाउ नहीं है। तो अभी जो है वो वसीम को हम बाहर खड़ा करके आए हैं कि हम थोड़ा सा वीडियो और बना के और फिर वापस आते हैं, और फिर हम जाएंगे किसी और पार्क, क्योंकि हमारा सारा जो है वो मज़ा ख़राब हो जाएगा। वसीम के बगैर क्या मज़ा आएगा, तो इसलिए जो है वो हम वसीम को बोल कर आएँगे, हम बस थोड़ी देर में वापस बाहर जाएँगे, थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाते हैं आपके लिए, क्योंकि इतनी दूर आए हैं और अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, ये देखें, ये हफ्सा और हम और मैं और वसीम जो है वो बाहर गेट पे खड़े हैं। अभी हम जो है वो एंटर हुए हैं, और आज जो है वो लेडीज़ आती है गार्डन में आज के दिन, लेकिन मुझे पता नहीं था। तो अब खैर, वसीम बाहर हैं और हम जाएंगे अभी किसी और जगह। तो यहाँ देखते हैं क्या है, ये देखें। यहाँ देखते हैं इस पिंजरे में क्या है। वैसे तो मुझे खाली दिख रहा है, लेकिन देखते हैं लेट्स सी इसके अंदर क्या है, और जो भी कुछ है शायद वो उस रूम के अंदर है। तो देखो, पता नहीं क्या है इस रूम में, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी नहीं है ना। तो में तो यहाँ तो कोई भी नहीं है, आ जाए हम, होगा शायद वो अंदर रूम में आराम कर रहा होगा। तो व्यूअर्स, आपको लेके चलते हैं इस जगह स्ट्रेट से ऊपर, तो यहाँ देखते हैं क्या है। यहाँ इस पिंजरे में तो कुछ नहीं है, ये खाली है, और मुझे लग रहा है सारे जो जानवर हैं वो नानी के यहाँ गए हैं छुट्टियाँ मनाने। तो लेट्स सी, देखते हैं कहीं जो है वो हमें, यहाँ तो कुछ नहीं नज़र आ रहा, लेकिन आपको बहुत अच्छी ग्रीनरी नज़र आएगी यहाँ पर, बहुत ही अच्छा व्यू नज़र आएगा, बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। आराम अफसा, इस तरफ आओ बेटा। वर्स बच्चे जो हैं वो पिंजरे चेक कर रहे हैं कि यहाँ कौन से जानवर हैं, और यहाँ मुझे जो है अभी कोई जानवर नहीं दिखाई दे रहा, ना क्रोकोडाइल के जो है वो काउच में क्रोकोडाइल हैं,
देख के चलो बेटा। यहाँ से उतरते हैं अब नीचे, यहाँ से उतरते हैं नीचे, आराम से देखो लोहे में पाँव ना अटक जाए। और यहाँ देखते हैं कि सामने जो है वो क्या चीज़ है। और यहाँ देखें ये मुफ्त के झूले के मज़े लिए जा रहे हैं, बग़ैर टिकट के झूला झूला जा रहे हैं यहाँ, है ना। चलो ये भी सही है। तो यहाँ सामने जो है वो डक्स और जो है पाउंड नज़र आएगा आपको। तो ये देखिए, वाह ये देखें, ये खाना मांग रही हैं, ये देख रही हैं कि आपके पास कुछ खाने को है तो ये खाएंगी। तो हफ्सा भी इन्हें खिलाएंगी। ये बेचारी जो है इनको पता होता है देखें कि यहाँ जो है कोई ना कोई खाना डाल देगा इनको, तो यहाँ पर जो है ना ये वेट करते हैं खाने का। तो ये जो है यहाँ खाना खाने आए हैं। जैसे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं ना, तो ये देखिए यहाँ वेट कर रही हैं कि इनको कुछ खाना खिलाया जाए। और बहुत ही हसीन व्यू है यहाँ का व्यूअर्स, ये देखें सारी डक्स जो है वो एंजॉय कर रही हैं। हेलो, क्या खाना नहीं मिला आज, जब भी इतना भूखे भूखे हो रहे हैं ये लोग। तो ये देखें, ये देखिए ज़बरदस्त सा नज़ारा, डक्स वाइट वाइट सारी। वो देखें, अच्छा आओ थोड़ी देर, थोड़ी देर पीछे आओ, तुम्हारे साथ साथ आएगी, आओ आ गया, आ गया हूँ। वो देखें डक जो है ना वो हफ्सा राम के साथ साथ आ रही है इनके पीछे खाना खाने के लिए। चिप्स डाली हैं हफ्सा ने इनको, तो ये साथ साथ चल रही हैं। हम वहाँ थे यहाँ आए तो ये भी हमारे साथ आ गई। हफ्सा जो है वो मुमताज बेगम को देखने जा रहे हैं। मैं दे दूंगी ना, आप जाओ। कौन कौन है? ये दोनों। चलिए एक मिनट बेटा, यहाँ से बना लो, आ जाओ। चलिए ले लीजिए। देखें कितने शौक से जो है वो मुमताज बेगम को देख रहे हैं और आके बताएंगे कि क्या देखा। और हमें तो अलाउ नहीं किया कि मुमताज़ बेगम की जो है वो वीडियो बनाना जो है अलाउ नहीं है, इस वजह से मैं बाहर ही खड़ी हूँ। तो सॉरी व्यूअर्स, मैं आपसे ये चीज़ शेयर नहीं कर पा रही, जहाँ तक पॉसिबल होता है हम आपसे हर चीज़ शेयर करते हैं। वहाँ से निकल जाओ बेटा, चलो। हाँ हाँ, तो वो ऐसे ही ऐसे ही करेंगे। आपको तो मेकअप लगाना है, आपको क्या नाम है, आप मेकअप हटाने और आप 47 आ जाओ, इधर आ जाओ। व्यूअर्स ये देखें, मुमताज बेगम देख ली, शौक पूरा हो गया। तो कैसी लगी मुमताज बेगम?
असली की तो नहीं होती बेटा, नकली की होती है, वो बने हुए होते हैं। तो यहाँ देखते हैं इस कैच में क्या है। तो आइए और जल्दी से देखते हैं और फिर जाते हैं। देखें क्या है भैया। ओ मंकी, ओ हो ये देखें। तो यहाँ ये भी देख लें कि मंकी के कैच में जो है वो कैच है यहाँ पर। और यहाँ देखें मंकी, ये जो है वो लिखा है जैतूनी बबून, ऑलिव्स बबून। बहुत गंदा पिंजरा हो रहा है व्यूअर्स, बहुत बुरा हाल है। ये देखें सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं है और इतनी ज़्यादा गर्मी है और बिल्कुल सामने बैठे हैं। इधर से भी ये देखें। तो क्या हाल हो रहा है इनके। ये जो है देखें वो वहाँ वालों को लिफ्ट करा रहे हैं। तो देखें वहाँ जाके देखते हैं। बड़े शौक जोक से देखा जा रहा है कि कौन कौन इन्हें देखने आए हुए। ये देखें, हेलो हेलो, नहीं नहीं ऐसे नहीं करो सब। हाँ भाई कैसी गुजर रही है। बहुत स्मेल आ रही है व्यूअर्स, यहाँ खड़े भी नहीं हुआ जा रहा। तो ये यहाँ सफाई का बिल्कुल जो है वो इंतज़ाम नहीं है, जो बात है। तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा है यहाँ पर। हर चीज़ जो लोग डालते हैं वो इतनी स्मेल कर रही है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। और यहाँ देखें, यहाँ पे भी जो है वो मंकी है। उफ अल्लाह, इतना एटीट्यूड, इतना एटीट्यूड। ये देखें जरा मंकी बह रहा है क्या। अरे अरे नो लिफ्ट भाई, नो लिफ्ट। अब देखा है जब मैंने इतना रिस्पांस नहीं कर रहा भाई, एटीट्यूड है एटीट्यूड। तो ये देखें ये मंकी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं कोशिश कर रही हूँ आपको कि जल्दी जल्दी जो है ना वो ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें दिखा के फिर बसीन बाहर वेट करें तो हम जाएंगे। और ये देखें कि क्या दिख गया है इन लोगों को, ये मुझे बुला रहे हैं आवाज़ देखें। हाँ भाई वाह क्या है, ये जगह बड़ी ठंडी हो रही है। बब्बर शेर, बब्बल नहीं, बब्बर शेर कहाँ है, नहीं वो आराम कर रहे हैं। इतनी मतलब सुकून की जगह है और इतना ठंडा हो रहा है यहाँ पर, तो ये जो है आराम कर रहा है। हमारा सारा सामान जो है वो बाहर है वसीम के पास। तो अभी बच्चों को जो है वो प्यास लगी, मैंने इनसे कहा था कि पानी की बोतल रख लेना, ये भूल गए हैं। ये लो। देखें वर्स कैंडी फ्लोस, जबरदस्त रेडी हो रही है। इसके कलर्स हैं ब्लू एंड पिंक, हो रहा है रेडी ब्लू। ब्लू कलर इज फॉर बॉयज एंड पिंक कलर इज फॉर गर्ल्स, सो दैट्स व्हाई कैंडी फ्लॉस। वाओ Thank you.
टेस्टी है। नील गायें लेकिन दिख नहीं रही है, आई थिंक ये सब नानी के छुट्टी मनाने गए हैं अपनी, आई डोंट नो। वाह, ग्रीनरी देखनी है तो बस आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। सामने से आ रही है ट्रेन। ब्यूटीफुल सा फ्लावर शो, तो यहाँ जो है ये क्लोज किया हुआ इन्होंने पब्लिक के लिए, बिकॉज आपको पता है ये बिल्कुल एक तरह से तो ये देखिए व्यूअर्स, तो यहाँ जो है वो आपने देखा यहाँ हर जगह जो है ना सॉन्ग लगा हुआ है व्यूअर्स। वाओ, बहुत टाइमिंग पे इसने जो है वो अपने पर खोले हैं भाई, देखें माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, ये देखिए ये सिर्फ आप लोगों के लिए खोले हैं इसने व्यूअर्स। रहे हैं अभी यहाँ क्या है टर्की मुर्गा है वो। Really looking beautiful viewers. Beautiful. देख रहे हैं वो, देखो देख रहे हैं, हाँ ज़मीन के कलर गए हैं ना तो वो बहुत, और सारे एक साथ बैठे हुए व्यूवर्स आपको दिख रहा होगा इनका जो वो है, काफ़ी दूर से ये मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए और माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। हफ्सा हाथ नहीं लगाना बेटा, सो ये देखिए आ जाओ, हमने जाना है अब एलिफेंट देखने तो हम उसी के पास जा रहे हैं।
ये देखें व्यूअर्स, ब्यूटीफुल से कलरफुल से ये यहाँ पैरट्स हैं जो कि ये अंकल सेल कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो लोग अपनी रोजी रोटी, फाइनली जो है वो अरहम अफ्सा जो है वो अब एलिफेंट देखने जाएंगे और उसके बाद जो है वो हम वसीम के पास जाएंगे। पूरी हो गई है क्योंकि जो है वो मुझे गर्मी लगना शुरू हो गई है, अब काफ़ी हफ्स हो रहा है ना, बारिश जैसा मौसम हो रहा है, हफ्स हो रहा है। तो व्यूअर्स यहाँ जो है वो एलिफेंट होते हैं और हम अंदर जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे, एलिफेंट से मिलवाएंगे। यहाँ देखें एलिफेंट के लिए गन्ना रखा हुआ है काफ़ी सारा जो ये खाता है, और यहाँ जो है वो काफ़ी रश है। कितना